तवंडा महेंद्र मोटर गैस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए महेंद्रा BS6 पिकअप, जिसमें स्टार्टिंग के बारे में दिखाएंगे और आपको गाड़ी में क्या किस चीज़ों फ्यूज बॉक्स के बारे में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे बैटरी का फ्यूज, 60 एम्पेयर का है ये। तो इसके बाद हम दिखाने जा रहे हैं आपको स्टार्टर फ्यूज, यानी कि सेलअप का जो फ्यूज आता है वो ये है। अगर गाड़ी सेलअप नहीं ले रही हो तो सबसे पहले ये फ्यूज चेक करें। उसके बाद में दिखाएंगे आपको 30 एम्पेयर का जो फ्यूज दिख रहा है आपको, ये ECU फ्यूज है ये वाला। अगर ECM की लाइट ना आ रही है तो सबसे पहले ये फ्यूज भी चेक करने चाहिए, उसके बाद ECM की रिले वगैरह बाद में। अगर गाड़ी बंद हो गई, फ्यूल पंप मोटर ना चल रही, तो ये 15 एम्पेयर का फ्यूज है फ्यूल पंप का, तो ये चेक करना चाहिए कि इसको निकाल के ये उड़ा हुआ है या सही है। अगर ये फ्यूज सही है तो उसके बाद का काम बाद में देखे जाए। ये हेडलाइट हाई, फिर इसके बाद में आएगा हेडलाइट लो। फिर अब दिखाएंगे आपको 100 नंबर फ्यूज दिख रहा है आपको, ये है मेन फ्यूज, यानी कि गाड़ी के अंदर कोई भी लाइट ना आ रही है, एक भी लाइट ना जल रही है, बैटरी चार्ज है। तो सबसे पहले इस 100 नंबर के फ्यूज को चेक करें, ये उड़ तो नहीं गया। अगर कोई स्पार्किंग के कारण ये फ्यूज उड़ सकता है। फिर ये है हेडलाइट रिले आपको दिखाने जा रही है, हाई इधर वाली लो। अब दिखाएंगे आपको बॉक्स खोल के फ्यूज। तो सबसे पहले हम दिखाने जाएंगे आपको बैटरी का फ्यूज कौन सा है। ये जो 60 एम्पेयर का फ्यूज दिख रहा है आपको पीला कलर का, ये है। आपको शार्प करके भी दिखाएंगे, ये देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये जुड़ा हुआ है तो तैयार है। अगर ये बीच में से टूट जाता तो ये समझ लो उड़ गया। दूसरा दिखाएंगे आपको ये ECU का और स्टार्टर का, ये है मेन फ्यूज जो बिल्कुल टच हो रखा है, तो ये सही है। इधर दिखाएंगे आपको ये मेन फ्यूज का मुँह बिल्कुल ओके है। फिर ये है फ्यूल पम्प फ्यूज 15 एम्पेयर का, उसके पास के अंदर दिख रहा आपको वो है हेडलाइट वगैरह। अब दिखाएंगे आपको स्टार्ट रील, सेलअप रील और ECU रील। तो ये है स्टार्ट से फ्यूल पंप रील, स्टार्ट रील, इसके बाद में आगे ECU रील। तो दोस्तों गाड़ी अगर फ्यूल पंप ना चल रहा है, फ्यूज भी सही है, तो स्टार्ट रील को डायरेक्ट करके मोटर चला के चेक कर सकते हो आप। जो एक नंबर पर स्टार्ट अपने सेलअप रील, सॉरी फ्यूल पम्प रील है, एक नंबर पर फ्यूल पम्प रील, उसको डायरेक्ट करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में स्टार्ट रील, अगर गाड़ी बैटरी चार्ज है, गाड़ी सेलअप ना ले रही है, तो स्टार्ट रील चेक करें। और वो है ECU रील, जो ECU मेन रील आती है उसको बोलते हैं ECU रील। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैसे लगे हमारे वीडियो, इसमें